चीज़ से मेरा हो रहा है, आप एक बच्चा इधर मर गया, दूसरा बच्चा इधर मर गया दोस्तों, ये दोनों को पीपीआर हो रखा था, मतलब मेरी बकरी को तो हो ही रखा है पीपीआर। आप दिखा सकते हैं, देख सकते हैं कितना गाढ़ा डिस्चार्ज छोड़ रहा है, मतलब और डस्ट भी उस टाइप से, और बकरी भी सुस्त पड़ी हुई है, देखें उसके मुँह से कितना गाढ़ा डिस्चार्ज आ रहा है। फीवर 105 106, कल ही इसका फीवर 106 था दोस्तों, फीवर चेक किए थे, और इसका भी था दोस्तों, और टैबलेट से उतना असर नहीं करता है दोस्तों। इन लोग को हम टैबलेट दे रहे थे, इंजेक्शन नहीं दे रहे थे, क्योंकि छोटे बच्चे थे तो इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, तो इंजेक्शन अगर लगाते हैं तब जाकर बकरी सुधार में आएगी, नहीं तो टैबलेट उबलेट देने से कोई असर नहीं करता है। देख सकते हैं एक बच्चा वो भी सीरियस टाइप से लग ही रहा है, मतलब वो भी हाफ रहा है पूरा। अब देखते हैं उसका तबीयत क्या होता है, सुधार होता है नहीं होता है, बाकी अब देखें किस टाइप से गाढ़ा डिस्चार्ज छोड़ता है दोस्तों। साला बहुत ख़राब बीमारी दोस्तों, इसलिए आप वैक्सीन कर लें। और ये जो भी बच्चे मर रहे हैं दोस्तों, ये सब मेरे नए बच्चे थे फार्म के, और इतना अच्छा ये बच्चा था दोस्तों ना, कुछ कहा नहीं जा रहा था, मतलब एकदम स्वस्थ बच्चा था। लेकिन साला आप किस्मत में क्या जो लिखा हुआ रहता है वो होता ही है दोस्तों, आप उसको टाल नहीं सकते हैं। बाकी बकरी अभी कुछ रिकवर हुई है, बाकी ये सब अभी थोड़े से ये सब रिकवर हो जाए ना, बच्चे में बस डर है, बच्चे अगर ठीक हो जाएंगे तो फिर आपके सब बकरी रिकवर हो जाएंगे। और इधर वाली जो बकरी है ये सब तो अभी ठीक है, इसमें से एक दो को हो रहा है, जैसे इसका इसके नाक से आ रहा है, एक उसके नाक से आ रहा है, आप देख सकते हैं एक उसके नाक से आ रहा है, और एक वहाँ पे खड़ा है उसके, चारे बीमार हैं इधर साइड से, और बाकी ये सब रिकवर हुए हैं, ए रिकवर वो सब जो बच्चे दिख रहे हैं सब, ये सब मतलब रिकवर हो गए हैं बीमारी से, पीपीआर से। बाकी एक खसी है, इसको भी आ रहा है साला, इंजेक्शन लगाने नहीं देता है दोस्तों, बहुत तंग करता है, अकेले हम रहते हैं, अकेले लगाना पड़ता है तो थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन आज उस सुबह में उसको भी इंजेक्शन देना है, बाकी उसको इंजेक्शन देना है और इसको देना है, और एक वहाँ पे चार इधर देना है इंजेक्शन, और दो तीन उधर है जो उनको इंजेक्शन देना है। और ये सब जो बच्चे दिख रहे हैं ये सब पीपीआर से सब रिकवर हुए हैं दोस्तों, कुछ दिन पहले ही, अभी देख सकते हैं किस टाइप से कमज़ोर हो रखा है। देखिए जल्दी से बस भगवान से दुआ करेगी कि जल्दी से मेरी सारा फार्म का जो बच्चा है वो भी जल्दी से ठीक हो जाए। और दोस्तों अभी एक बच्चा का अभी टेम्परेचर लिए हैं, आप टेम्परेचर देखें 3.5 है इसका, ये जो इधर है, और इसका कल 60 डिग्री था दोस्तों, 160 डिग्री इसका टेम्परेचर था, बहुत हैवी कल फीवर था, तो अभी तो फीवर कम गया है, लेकिन आज सुबह में भी इसको दवा देंगे, कल शाम से इसको दवा पड़ रहा है, तो एक डोज आज सुबह में भी देंगे ताकि जल्दी से इसका फीवर ठीक हो जाए। बाकी जो बच्चा हाफ रहा है इसका और इधर एक है ये और ये बकरी, ये सबका टेम्परेचर लेते हैं फिर। और दोस्तों अभी इसका टेम्परेचर है, जो बैठा हुआ है आपको सामने दिख रहा है, इसका भी टेम्परेचर है 103.8, अभी इसका टेम्परेचर है, इसको भी इंजेक्शन देंगे, कल से इसका दवा चल रहा है, तो इसको भी इंजेक्शन लगाएंगे, फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। बाकी बकरी है उसका आप चेक करना है, बाकी इसका नॉर्मल टेम्परेचर है, और छोटा बच्चा हाफ रहा है इसका भी नॉर्मल टेम्परेचर है, 101 डिग्री है, तो नॉर्मल इसका है लेकिन हाफ रहा है दोस्तों। और दोस्तों अभी इंजेक्शन लेके आ गए हैं सब, और अभी बकरी को लगाते हैं दोस्तों, इस बकरी को जो बड़ी वाली है इसको अभी लगाते हैं, अभी दवा ले लिया हमने सिरिंज में, अभी लगा के और जो बकरी है उसको भी लगाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम दिखा नहीं पाएंगे दोस्तों लगाते हुए, अकेले हैं, फ़ोन पकड़ेंगे कि इंजेक्शन लगाएंगे कि बकरी पकड़ेंगे, नहीं हो पाएगा, इसलिए आप इसको लगाते हैं फिर उसको लगाते हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी उधर वाली बकरी को तो हमने इंजेक्शन लगा दिया है, अब इस साइड वाले जो 3-4 बीमार हैं अभी इनको लगाना है, इंजेक्शन हमने ले लिया है, बाकी वहाँ पे है उसको लगाना है, जो खास रहा है वो देखिए उसको लगाना है, पहले उसको लगाते हैं दोस्तों फिर बाद में इनको लगाएंगे। दोस्तों अभी सारी बकरी को इंजेक्शन हमने लगा दिया है, जितने भी बीमार बकरी थी उनको इंजेक्शन अभी दे दिया है सबको, अभी सबको रेस्ट करने देते हैं, और जो कमज़ोर बच्चे हैं सब तीनों बहुत कमज़ोर हैं, तो इनके लिए विमराल हमने लेके आ गया है, तीन ए हैं और एक और उधर है, चार कमज़ोर है मेरे, तो इनको विमराल देंगे अभी, इनको पिला देते हैं। दोस्तों अभी बकरी को निकालते हैं चराई पे, 9 बज गया है, क्योंकि देखते हैं कौन कौन बकरी अभी और सुस्त बैठेगी, अगर सुस्त बैठेगी चराई पे ही पता चलेगा कि और बकरी कौन ज़्यादा सुस्त बैठ रही है, फिर उसको हिसाब से उसको इंजेक्शन देंगे, ऐसे इंजेक्शन तो दे ही रहे हैं दोस्तों बकरी, भगवान से बस आप दुआ करें मेरे लिए कि बकरी जल्दी से रिकवर हो जाए और बकरी जल्दी से ठीक हो जाए। बाकी जो रिकवर हो गए हैं वो तो ठीक है, लेकिन साला क्या किया जाए, किस्मत में जो रहता है वो होता ही है दोस्तों, आप उसको किस्मत को नहीं टाल सकते हैं, आपसे जितना हो सके आप उतना बस दवा चलाएं, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दें, जो होगा देखा जाएगा, हिम्मत भी नहीं हारना है, 2-4 बच्चा 10 बच्चा अगर मर भी जाता है तो हिम्मत नहीं हारना है दोस्तों, आपको हिम्मत बना के रखना है। बकरी को अभी निकालते हैं दोस्तों बाहर सबको चराई पे, दोस्तों अभी सारी बकरी को निकाल दिए हैं चराई पे, आप देख सकते हैं, देखते हैं इसमें से अब कौन बकरी सुस्त साइड टाइप पे बैठती है,
कौन चरती है समझ में आ जाएगा कि हाँ वो ज़्यादा बीमार है। जब बैठ के आराम से शांत में बैठी रहेगी तभी समझ में आएगा कि हाँ बकरी बीमार है। ऐसे तो जो रिकवर हो गए हैं वो भी चरना स्टार्ट कर जाएंगे, जैसे वो सब जो छोटे बच्चे दिख रहे हैं आपको ये सब रिकवर हुए हैं तो ये सब भी चरना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। बाकी जो और कुछ बकरी दिखती है जिसको हम सुबह में इंजेक्शन दिए हैं अगर चरना नहीं है स्टार्ट करेगी तो उसको दूसरा इंजेक्शन देंगे फिर से लगाएंगे, अगर चरना स्टार्ट करेगी तो जो इंजेक्शन चल रहा है वही चलेगा। अभी देखते हैं उधर चल के। और दोस्तों बाकी बकरी तो अभी ठीक है, ठीक क्या है दोस्तों, बीमार तो है ही सब, लेकिन जो सुबह में जिसको इंजेक्शन दिए थे वो देखिए वो है, एक वो जा रहा है वो है, और वो तो रिकवर हो गया, वो दोनों हैं, एक उधर है। और दोस्तों अभी बकरी बाहर ही चल रही है, 12 बज रहा है 12 बजे, ये मतलब 8-9 बजे से बकरी को चरा रहे हैं क्योंकि सब बकरी बीमार है तो जितना ज़्यादा चरेगी उतना अच्छा है। और दलिया हमने लगा दिया देख सकते हैं। और दोस्तों जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको पहले दलिया दे दिए हैं पीने के लिए ताकि बकरी पीने नहीं देती, इसीलिए पहले देखिए ये पी रही है, वो पी ली है, ये भी पी ली है, अभी वो पी रही है। बाकी बकरी भी बाहर में खड़ी है तो इनको भी थोड़ी देर बाद अंदर करके इनको भी दे देंगे सबको। देख सकते हैं दलिया पे कैसे बकरी टूट पड़ी है, सब पिएगी क्योंकि सब प्यासी है दोस्तों। जितना ज़्यादा पानी पिएगी उतना अच्छा रहेगा दोस्तों इनके लिए, और एक गुनगुना पानी है आराम से सब बकरी पिएगी। देख सकते हैं कैसे टूटी पड़ी है। और दोस्तों अभी एक और दवा लाया है जो बकरी को मुंह में पिलाएंगे, अभी सब बकरी स्ट्रेस में आ रही है धूप में से चर के, तो वह स्ट्रेस फ्री करने के लिए कहता है, फोटो आपको दिख जाएगा स्क्रीन पे, वो दवा भी दे रहे हैं ये। अभी इनको सबको पिलाते हैं 5-5 ml करके, जो बकरी है इधर वाली इनको सबको पिला देते हैं दोस्तों। दोस्तों एक और बच्चा जो था जो सुबह मतलब दो तो सुबह में मर ही गया था दोस्तों, एक और अभी शाम में मर गया, एक और बच्चा बच रहा था जो छोटा वाला, मतलब जो भी बच्चा मेरे पास मोर्टलिटी हुआ है दोस्तों अभी तक 3 का हुआ है, और तीनों जो मरे हैं वो तीनों छोटे बच्चे हैं दोस्तों, लगभग 2 महीने से नीचे के दोनों तीनों बच्चे थे, सब 2 महीने के नीचे के बच्चे थे दोस्तों, ये सब छोटे बच्चे थे, कुछ दिन पहले ये सब बकरी दी थी बच्चा, वो वाले हैं और ये सब मर रहे हैं क्योंकि टैबलेट से उतना असर नहीं करता दोस्तों PPR में। आप जब भी दे तो इंजेक्शन लगाएं, टैबलेट उतना सुधार नहीं कर, रिकवर नहीं करता है बकरी को। जो बकरी को इंजेक्शन दे रहे हैं वो रिकवर कर रहा है, जिसको हम टैबलेट दिए हैं वही मेरे पास मरा है, टैबलेट से उतना सूट नहीं किया दोस्तों। अभी इसको चलते हैं दोस्तों दफना देते हैं, बकरी अभी चरने गई है सारी, अभी आ रही है चर के, इसको तब तक दफना के आ जाते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी रात के टाइम में बकरी को सबको अंदर कर दिए हैं, और जो बीमार जो पतली दुबली है दोस्तों उसको उधर गेहूँ खाने के लिए दिए हैं क्योंकि उनका दस्त अब रुक चुका है, दस्त अगर हो रहा है तो ना दे, इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो दस्त और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब उनका दस्त रुक चुका है, कमज़ोर है, तो इसलिए हमने दिया उनको गेहूं खाने के लिए। और चना का छिलका ढूंढ रहा था दोस्तों, हमारे यहाँ मिला नहीं तो चना का छिलका भी उसको देते खाने के लिए। बाकी अभी इंजेक्शन हमने दे दिया है, 2-3 बकरी को दिया है दोस्तों, ज़्यादा नहीं, जो बकरी ज़्यादा मतलब आज शाम में नहीं चल रही थी, बाकी जो चरना स्टार्ट कर दिया उसको नहीं दिए हैं, वो उसको छोड़ दिए हैं। बाकी अभी बकरी सब ठीक है दोस्तों, अभी देखते हैं सुबह तक। आप कल वाला वीडियो ज़रूर देखें, कल में देखते हैं कितना बकरी रिकवर हुई है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों कल वाला वीडियो में, कल वाला वीडियो ज़रूर आप देखें।